यहां पर थाली में सजी हुई ये जीत थी, और वो फैक्टर्स यहां पर बीजेपी ने पहचान लिए जमीन पर, लेकिन कांग्रेस नहीं पहचान पाई, ये मान रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी से 19 साबित हो जाते हैं। देखिए पूजा जी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरीके से कांग्रेस के फेवर में थे, पर हकीकत क्या है? वो जिस तरह से चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जिस तरह से कंप्लेन्स आई, वो सारी चीजें तो कल से पूरे टीवी चैनल पर चल रही है। पवन खेड़ा जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये बोला बैटरी के चार्जिंग को लेकर जिस तरह की कंप्लेन की गई, वो भी अपने आप में एक पूरी तरीके से एक मुद्दा है जिसको समझने की जरूरत है। आप बताइए, जिस बैटरी का यूज ऑलरेडी 2 से 3 दिन पहले हो चुका है, जिस ईवीएम मशीन का, उसमें बैटरी 99% चार्ज कैसे हो सकती है? ये सवाल तो जायज बनता है और ये सवाल का जवाब देना चाहिए, मुझे लगता है। और उन उन मशीनों से जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज निकला, वो बीजेपी के फेवर में पूरी तरीके से जाता हुआ देखा। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस बात को ये स्वीकार करती है कि वो पूरी तरीके से अश्योर थी? पूरी तरीके से अगर अश्योर होती है तो वहां पर प्रधानमंत्री जी के दौरे लगातार हो रहे होते, वहां पर बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के दौरे लगातार हो रहे होते, पर ये हकीकत नहीं थी, हकीकत कुछ और थी। और लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम संदेह कर रहे हैं, इससे पहले कभी भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का संदेह नहीं किया, पर ये पहली बार है कि कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी चिंता को जाहिर किया और चुनाव आयोग के सामने पूरी तरीके से ये चीजें रखी। पर लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो अपने आप में एक सवालिया निशान है जो लोकतंत्र के ऊपर है, इस देश के चुनाव प्रक्रिया के ऊपर है, और इस देश में जो काम कर रही पार्टियां, उनके कार्यकर्ता और उनकी उम्मीद, और इस देश की जनता और जनता की उम्मीदों की है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आश्वस्त थी कि आप ये बताइए कि जिस तरह से वहां पे एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, आपका वोट परसेंटेज पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। आप 24 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह की सीटों के जीतते हैं, उसके बाद आज आप जिस तरह से जीतते हैं, वो वाकई में एक सवालिया निशान लगाता है। और हम समझते हैं कि ठीक है, हमारी कैंपेन में गड़बड़ी हो सकती है, हमारी निष्ठा में गड़बड़ी हो सकती है, हमारी शायद और ज्यादा हमें बेहतर तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए था, शायद और ज्यादा हमें तो शायद वक्त यही है प्रियंका गुप्ता कि सामने वाले पर सवाल उठाने की जगह आत्मचिंतन किया जाए, आत्ममंथन किया जाए, जो कमियां आपकी तरफ रह गई, जो लगातार गुटबाजी, अंतरकलह की जो तस्वीर लगातार सामने आती रही। देखिए वो भारतीय जनता पार्टी का एक नेगेटिव कैंपेन था जो उन्होंने चलाया, पर हकीकत ये ऐसा कुछ भी नहीं था, वो पूरी तरीके से जनता के सामने था। पर मैं ये जरूर कहूंगी, ये चुनाव पूरी तरीके से जिस तरह से रिजल्ट आए, हमें उस पर संदेह है, हमने इस पर ये भी कहा कि ये अप्रत्याशित है, और इसके साथ में हमने ये भी लेकिन कहा सब कुछ तो आपके फेवर में था ना, एग्जिट पोल तक सब कुछ आपके फेवर में था, तो ये कहां बदला, कहां ये गेम कहां चेंज हुआ? कह रहे हैं ना कि मुझे भी नहीं पता चला कि जमीनी हकीकत क्या है, और जमीन पे जिस तरह के सर्वे हो रहे थे और बड़े बड़े लोगों ने सर्वे किए, वो आश्चर्यजनक था। आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही थी, कह रही थी कि हमने तो 370 वहां से हटा दिया, लोगों की जिंदगियां बदल दी, आप फिर क्यों हार गए वहां पर? जवाब दीजिए इस बात का। वो तो खैर राधिका जी देंगी बेहतर जवाब कि किस तरह से वो उन्होंने वहां पर सीटें गंवाई और क्या क्या रीजन रहा, किस तरह से उन्होंने स्टेटहुड छीना लोगों का, लोगों को एक एक जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, अपना प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया है, उस तरह तो से अपने पूरी तरीके तो वहां पर भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, 25-26 का आंकड़ा रहता है कल तो, और उससे बढ़कर उन्होंने यहाँ पर नतीजे अच्छे हैं उनके पक्ष में आए, जीत लेते अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो जनता को चुनना चाहिए था ना। अब आप हरियाणा में कह रहे हैं कि आपने बड़ा विकास कर दिया, चाहे वहां नौकरियां नहीं है, चाहे वहां महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, चाहे वहां पर जो है किस तरह से किसान पूरी तरीके से परेशान रहा, पूरे साल साल भर बैठा रहा, तब तो आप कह रहे हैं कि आपको वोट दे दिया। और जम्मू कश्मीर में जहां आप कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी आपने लोगों की संवार दी और वहां आपको जीत नहीं मिली, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है, और ये भारतीय जनता पार्टी को और इस देश को समझने की जरूरत है कि किस तरह से चुनाव प्रक्रिया एग्जीक्यूट हो रही है, किस तरह से संदेह को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जा रहा है, किस तरह से जो है जो वोटिंग मशीन है उसको लेकर जिस तरह की हम लोग पूरी तरीके से, इससे पहले कभी भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की तो राधिका खेड़ा ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने हालांकि एक दिन पहले ही काउंटिंग से एक दिन पहले ही कहा था कि कल ईवीएम कोरोना रोएंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि व्यवस्थाएं हैं उनके पास, चिंता की बात नहीं। जय श्री राम।